ये देखो भाई हैवी वाला बिल बन गया भाई, बिल बना है ना भाई साहब, बहुत हैवी वाला बिल बना है भाई साहब हमें वीकली ग्रोसरी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो भाई सब कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं मैं ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक हो गए तुम सब कहना तो ब्लॉग के अंदर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। अभी अभी जो है ना भाई साहब मैं इफ्तार करके आया हूं ऊपर अपने कमरे में, अपने कमरे को साफ सुथरा करने। यार अभी मैं नीचे आया हूं और मुझे पता चला है कि घर में कोई नहीं है इस टाइम। हसनैन और दानी भाई बाहर गए हुए किसी काम से, चमन उस्मान और खिदर भाई वो सारे ऑफिस है, बाकी जो लड़के हैं वो भी सारे ऑफिस है। इस टाइम घर में मैं अकेला फिर रहा हूँ। यार अभी मैं आया बैठा हूँ अपने रूम में, बाकी जो है ना अभी मैं सोने लगा हूँ, उठूंगा तब जब होगा सहरी का टाइम, बिकॉज उस्मान भाई वगैरह चमन भाई खिदर भाई वो सब लोग जो बाकी लड़के वगैरह जो है ना वो भाई आएंगे सहरी के वक्त, तो तब तक मैं सो जाता हूँ बिकॉज घर में कोई है नहीं, मैं बोर हो रहा हूँ। और हसनैन तो आगे नीचे वो अपने रूम में है, सो अभी मैं सो जाता हूँ और सहरी के टाइम उठूंगा, फिर आपको भी सहरी के टाइम ही मिलता हूँ। हमारे पास हमारी सहरी आ चुकी है, सहरी में हमारे पास सेब खाता ये टैंक, और मैं यही सहरी करता हूँ, ज़्यादा हैवी खाना शाना नहीं खाता, इसे जो है ना भाई मेरा ठीक रहता है। तो यार गुड मॉर्निंग, और सीन ये है कि अभी बज रहे हैं 2 या 2:30 का टाइम हो रहा है और गला मेरा फुल ख़राब है, फुल, जिसको फुल वाला ख़राब कहते हैं ना वो ख़राब है भाई, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन खैर अभी मैंने जाना है, फ्रेश होना है, फिर आपसे मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। कपड़े वगैरह निकाल के मैं आ चुका हूँ, चलो यार फाइनली मैं हो चुका हूँ फ्रेश और थोड़ी सी एनर्जी वापस आ चुकी है। बाकी ज़रा भी उससे बोलता हूँ तो भाई मेरे गले को दर्द होता है, बाकी तो थोड़ा थोड़ा जुकाम भी है, जिसको खुश्क जुकाम कहते हैं वो है मुझे। बाकी आप लोग ज़रा मौसम चेक करो भाई साहब, अभी जो है ना भाई साहब तकरीबन 1:30 या 2 का टाइम हो रहा है, इस टाइम काफ़ी धूप होती है, लेकिन आज धूप शुभ नहीं है, बादल शादल है, मतलब ठंडा ठंडा मौसम है। वो नीचे खड़ी है गाड़ी, दानी भाई आए हुए हैं। अभी के लिए सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी करने, जो हम लोग वीकली ग्रोसरी करते हैं, मैं उस्मान भाई साथ हमारा जो कुक है ना इकबाल भाई वो जा रहे हैं, तो जाके ग्रोसरी करनी हम लोगों ने, फिर मैं आऊँगा, फिर दानी भाई के घर जाएंगे, उनकी गाड़ी का एक रिव्यू कर लें वो करेंगे। फिलहाल उस्मान भाई वॉशरूम में गए हुए हैं, तकरीबन मैंने उनको इतनी मुश्किल से उठाया, इतनी मुश्किल से उठाया ना, गुदगुदी कर कर करके उठाया मैंने उनको, फिर सो जाते थे, इतनी मुश्किल से मैंने उनको वॉशरूम में घुसाया। अब देखो वॉशरूम में ही ना सो जाएं, देखते हैं हम कब निकलते हैं, वो निकलते हैं तो फिर हम लोग ग्रोसरी के लिए निकलते हैं। ये वहाँ पड़ी है यूनिवर्सिटी से थकी हुई, तो चल के उस्मान भाई की जरा खबर लेते हैं। दानी भाई तो सो गए हैं, उन्होंने जाना भी नहीं था हमारे साथ, उस्मान भाई को निकालते हैं। उस्मान भाई अंदर सोना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लॉक तोड़ के आपको निकालना अंदर से। यार अंदर से कोई आवाज वगैरह तो आ नहीं रही है, नॉक मोड पे बैठे बैठे सो जाए। उस्मान भाई मेरे दोनों हाथ जो है ना फ्री नहीं है, आप लॉक खोलो। शाबाश, चलो यार, हेलो यार, ये लॉक खोलना, मेरा हाथ फ्री नहीं है। ओके, आए हाय 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 हाय, ये किस किस के बैग पड़े हैं गाड़ी में, आ जाओ। शेरा क्या हाल है? शेरा ठीक हो? शेरा शेरा सो रहे हैं। शेरा किसका लेवल ऊपर है? शेरा आपका लेवल ऊपर है। मैं शेरा नहीं, शेरा आप हो दोबारा, रही टेक रही टेक रही टेक रही, मैं काट दूंगा। शेरा किसका लेवल ऊपर है? शेरा शेरे का लेवल बोल लेवल यार, चलो री टेक, अब सही से बोलना मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये काट दूंगा ब्लॉग से। शेरा किसका लेवल ऊपर है? शेरे का लेवल ऊपर है, शेरे का लेवल ऊपर है, कहना है मेरे बॉस का लेवल ऊपर है, अब मैं ये भी काट दूंगा बार बार, नहीं री टेक नहीं होते ना यार। 1 2 3 सर, शेरा किसका लेवल ऊपर है? शेरा गुंगा तो नहीं? शेरा किसका लेवल ऊपर है? यार आपका लेवल है बस। देखा लेवल है आपके बॉस का। चलो यार निकलते हैं और मेट्रो पहुंच के आपसे मिलते हैं। यार इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है, 0 की यहीं जा रही है उस्मान भाई, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। क्या बात है उस्मान भाई, उस्मान भाई के भाई, उस्मान भाई का लेवल है वैसे। टैंक की फुल करानी है 2000 हैं? 2000? ओए तू नशा तो नहीं कीता उस्मान, एक तेरी कंडीशन नशे वाली लग रही है। अच्छा उस्मान भाई पंप तो आ गया है नजदीक, इसके काम देखो, पंप आ गया है नजदीक, कितने का पेट्रोल डलवाना? मैं कहता हूँ ब्लॉक में कह देते हैं कि टैंकी फुल कर दो, फिर उनको कहेंगे यार 2-3 हज़ार का डाल दो, क्या कहते हो? ऐसे बड़े तेज हो। नहीं यार कितने का डलवाएं? 2000 का डलवा लो, 1000 का डलवा, 1000 का डलवा।
हजार का फेयर तो है, मेहरान नहीं है। शेरा किसका लेवल ऊपर है? शेरा गाड़ी का लेवल ऊपर है, कार्ड है। फाइनली हम लोग पहुंच आए हैं मेट्रो। यार रश चेक करो उस्मान भाई, क्या सीन है। मुझे तो लगता है इफ्तार से भी ज्यादा टाइम हो जाना है हमें इधर। भाई रश तो चेक करो यार, रश 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 चेक करो यार उस्मान। ये तो काम खराब है आज जो है ना, बिल कराते कराते पहले चाय तो कर ले यार। उस्मान भाई तुसे ना मारो, ठंडी तुसे ना मारो, आज खैर है आपको। मुझे लगता है आपको बुखार है, वो भी दिमाग वाला। इधर लगा देते हैं गाड़ी को जरा पीछे पीछे, आगे किथे लावा। बस ठीक है, ये जगह सही है। अपन सारा सामान इथे ले आवना। तो भाई अब क्या इनके अंदर घुसा दूं? ओ तो ही ले चल वे जगह उससे। कोई नहीं, होनी जगह आगे, फिर वापस आना पड़ेगा। वापस आ जाएंगे यार। उस्मान भाई आप जो है ना अजीब ही हैं आप यार। नहीं है ना जगह, अगली लाइन से जाएं आप। इधर भी नहीं है, अगली लाइन से जाएं आप। पाए नहीं है जगह, नहीं है जगह। मैं सच्चा था ना, इधर कहीं लगा नहीं, रास्ते में लगा देते हैं। खान आज आपको ना पता नहीं क्या हुआ होगा। ये लो ठीक है, अब ओके हो गया। हाँ चेक करो कहाँ पे लगाई, कहाँ पे लगाई है। ये चलो यार अभी जो है ना अंदर चलते हैं, फिर आपसे अंदर चल के मिलते हैं भाई। ये लोग ले रहे हैं सारा सामान। उस्मान भाई आप सारा सामान इकट्ठा करो और मैं इधर साथ साथ ब्लॉग की एडिटिंग कर रहा हूँ। अभी जो है ना भाई सब ये सारा सामान इकट्ठा कर ले तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ, बिकॉज मैंने अभी एडिटिंग करनी है ब्लॉग की। थोड़ी देर तक आपसे मिलता हूँ, रख दो। चलो यार ये ट्रॉली और ये ट्रॉली, दो ट्रॉली हम लोगों ने सामान की भर ली है। बिल जो बनेगा ना भाई काफ़ी लंबा और हैवी वाला बनने वाला है। बाकी अभी चलते हैं बिल सील कराते हैं, फिर बाहर चल के आपको बताते हैं कि क्या क्या लिया हम लोगों ने और कितना बिल बना है। यार सारा सामान हम लोगों ने पकड़ लिया, बस डिग्गी खोलते हैं उसमें सामान रखते हैं। खुल गई डिग्गी, रखो। जो बिल बना है ना भाई साहब बहुत हैवी वाला बिल बना है। पहले बिल बनता था तकरीबन 25,000, 20,000, 30,000 इतना बनता था, क्योंकि हम लोग वीकली करते हैं ग्रोसरी। इस दफ़ा और पिछली दफ़ा तकरीबन भाई इस दफ़ा तो बना है 45,000 समथिंग, और लास्ट टाइम बना था 49,000 और समथिंग ही बना था। तो मतलब वीकली ग्रोसरी हमें 50 या 60,000 में पड़ जाती है ये ग्रोसरी वीकली। इसके बाद डेली का जो छोटा मोटा सामान होता है ना उसमें दही वगैरह फिर लेनी पड़ती है, मतलब इस तरह का सामान और भी शामिल होता है। तो मतलब भाई साहब हमें वीकली ग्रोसरी 60-70,000 में पड़ जाती है, 50-60 में तो पड़ ही जाती है। बिल चेक करवाऊँ आपको कितना लंबा बना है, एक मिनट। ये देखो भाई हैवी वाला बिल बन गया भाई। खैर एनीवेज इधर ही ये वाला ब्लॉग मैं एंड कर रहा हूँ। ये सामान वगैरह रख के हम लोग जाते हैं घर। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।